डिलीशियस इनसाइट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सारे नोटिफिकेशन पाइए। हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं तंदूरी सोया चाप, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ हमने लिए हैं बॉइल्ड सोया चाप, हंकर, टर्मरिक पाउडर, गर्म मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, कसूरी मेथी, बटर, लेमन, पुदीना पाउडर एंड चाट मसाला। हम एक बोल में दही ले रहे हैं, आप देख सकते हैं दही काफी गाढ़ा है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर हमने लिए कश्मीरी लाल मिर्च, जिसका कलर बहुत अच्छा आता है, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, पुदीना पाउडर, कसूरी मेथी, नमक एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इन सब को मिक्स करते हुए हम एक अच्छा सा बैटर रेडी कर लेते हैं। ये देख सकते हैं इसका कलर बहुत लाइट है, तो अभी हम इसमें थोड़ा सा बटर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और ऐड कर रहे हैं, जिससे इसका कलर अच्छा हो जाए। ये देखिए कलर बहुत अच्छा आ चुका है कश्मीरी रेड चिली से। यहाँ हमने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है, ये बटर हमारा एकदम रेडी है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं हमारी बॉइल्ड सोया चाप, जिसे हमने लेंथ वाइज कट किया है और स्टिक अलग कर दी है। इसको हम अच्छी तरह से कोट कर देते हैं। ये देखिए अब अपनी कोटेड चाप को हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैरिनेशन हमारा हो चुका है। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम एक मेटल के स्टिक में इस तरह से इनको लगा देते हैं। ये देखिए, जिससे आसानी से रोस्ट हो जाए। और लास्ट में हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं एक छोटा सा कच्चे आलू का पीस, जिसे हमने क्यूब में कट किया है। और इसी तरह से हम अपनी सारी चाप रेडी कर लेते हैं। अब हम इसे रोस्ट करेंगे हाई फ्लेम पर। हमारी चाप बॉइल्ड थी, अंदर से तो कुक है ही, इसको ऊपर से अच्छी तरह से रोस्ट होने तक हम इसे इस तरह से रोस्ट करेंगे। देखिए ये फटाफट से हो जाती है, ध्यान से करेंगे चारों तरफ घुमाते हुए। और इस तरह से हम अपनी सारी चाप रेडी कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी हाफ डन हो चुकी है। अब हम इस पर ब्रश करेंगे बटर, अच्छी तरह से बटर को ब्रश करेंगे। ये देखिए बटर से इसका टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और इसको हम दोबारा से रोस्ट करेंगे। ये देखिए बटर अच्छे से लगा दिया हमने। अब हम इसको रोस्ट कर रहे हैं मीडियम लो फ्लेम पर। ये देखिए हमें इसके आउटर लेयर को एक अच्छा सा क्रिस्पी बनाना है। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया रोस्ट हो चुकी है हमारी। ये देखिए एकदम बढ़िया, कलर तो अच्छा है ही और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। लग रही है ना कितनी बढ़िया तंदूरी चाप।